अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल लिटरली फूडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत इजी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अमूमन सब जितने हम लोग घर में ये यूज़ करते हैं, और बर्गर्स तो हमारी सबसे फेवरेट डिशेज हैं। ठीक है, बर्गर के लिए जिस सॉस की हमें ज़रूरत होती है, जो बर्गर्स हम बाहर मार्केट में जाके खाते हैं, उन सिर्फ सॉस की वजह से ही उनका फ्लेवर बनता है। तो मैं आज आपके साथ बेस्ट बर्गर जो सॉस है उसकी रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ। बेस्ट बर्गर सॉस रेसिपी के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है ये मैंने लिया रेड चिली सॉस है। इसको मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया। ठीक है, 1 कप मैंने मायोनीज़ ली है, प्लेन मायोनीज़ है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेरे पास मस्टर्ड सॉस है। ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये ग्रीन चिली सॉस है। आप ग्रीन चिली सॉस के अलावा आप सादी ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, क्रश हुई भी। और ये मेरे पास केचप है। ठीक है, ये केचप जो है 3 से 4 टेबलस्पून है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया। इस छोटे से बाउल के अंदर मैं जो अपना 1 कप हमारा मायोनीज थी, मैं इसको डालूंगी। अच्छी तरीके से हम इसको डाल लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हमारा मस्टर्ड सॉस। ये मस्टर्ड सॉस मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा कर दें, अगर कम पसंद है तो आप इसको कम कर लें। सेकेंडली हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, ये स्पाइस देने के लिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे केचप। ये मेरे पास 4 टेबलस्पून केचप थी। बहुत इजी है, आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, जब बर्गर्स की ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा चिली सॉस ये डाल दें, चिली क्रश चिली डाल दें। मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून डाला है। सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि मायोनीज़ वगैरह इन सब के अंदर होती है। और इसके अलावा ये मैं डाल रही हूँ ग्रीन सॉस जो मेरे पास है, इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं मिलती तो आप सादी ग्रीन क्रश चिली भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। इसको आराम से हम मिक्स कर लेते हैं। कलर देखें, मस्टर्ड सॉस की वजह से ये बहुत रिच फ्लेवर में हो जाता है। और सेम आपको बर्गर्स जिस तरह मार्केट से हमें खाते हैं उसी तरीके का इसका फ्लेवर आएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये सॉस जो है बिल्कुल रेडी होगी। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है। बहुत अच्छा इसका जो खुशबू है ना, अरोमा जो है ना, वो आ रहा है। जैसे बर्गर्स में मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स हो गए या KFC के बर्गर्स हो गए, उसमें जिस तरह की सॉस डलती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी जो छोटी सी रेसिपी थी पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आने वाली अगली रेसिपीज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।